रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? बाज़ दफ़ा कोई रिश्ता आता है लेकिन उसमें ऐसी रुकावट आ जाती है कि मामला बिल्कुल ठीक चल रहा होता है लेकिन वो मामला अचानक ऐसे कोई असबाब पैदा हो जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बना बनाया काम ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उलमा इकराम का बताया हुआ एक मुजरब अमल बताऊँगी, वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी ज़रूरी है। ये 40 दिन का अमल है और 40 दिन तक लगातार ये अमल करना है। करना क्या है कि आपने बाद नमाज़ इशा जो है अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उसके बाद 40 दफ़ा सूरह हलास पढ़नी है। और जब सूरह हलास आप पढ़ लें तो 100 दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अल्लाह या रहमान या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का ये वाली दुआ मांगनी है। जब ये आप दुआ 100 दफ़ा पढ़ लें, दुरूद 11 दफ़ा फिर पढ़ें और फिर सजदे में सर रख के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा करेगा कि जो भी रुकावटें हैं वो सब दूर हो जाएंगे और 40 दिन तक अल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते से नवाजेगा। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों के नसीब अच्छे करे, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।